और कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी। संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी के नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे करने का आरोप लगाया था। मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख, शिबू हजारा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ममता बनर्जी सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। तो अब पूरा मोर्चा सीबीआई की ओर से यहां पर संभाला जाएगा। सीबीआई के कई सारे सवाल होंगे जो अब जो तीन आरोपी हैं उनसे किए जा सकते हैं। पूरी निगरानी अब सीबीआई के तहत ही होगी और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 2 मई को यहां पर की जाएगी। और संदेश खाली की महिलाओं ने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे शाहजहां शेख पर। शाहजहां शेख के साथ 2 अन्य आरोपी भी थे, उन पर भी ये कई गंभीर आरोप यहां लगाए गए थे। संदेश खाली पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी सरकार पर कड़ा प्रहार किया और बंगाल सरकार पर संदेश खाली के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आईं। आज कोर्ट का ये आदेश कि संदेश खाली में जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जिन महिलाओं का शारीरिक शोषण हुआ और जिन गरीबों की ज़मीनें लूटी गईं, वो सारे केस अब सीबीआई के सुपुर्द करेगी कोर्ट का ये आदेश है। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हूँ। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। और कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले का बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने स्वागत किया है। আদালত যা করেছে সংবিধান মেনেই করেছে। আমি আদালতের এই জাজমেন্টকে স্বাগত করি। সিবিআই যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করে রেজাল্ট পাবেন, রাজ্য পুলিশের যদি ভূমিকা থাকে কোনো রেজাল্ট পাবেন। संदेश खाली केस की टाइमलाइन किस तरीके की है अब आप वो समझिए कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो 5 जनवरी सबसे पहली तारीख राशन घोटाला केस में नॉर्थ 24 परगना में ईडी की रेड पड़ती है और शाहजहां शेख के घर पर रेड के दौरान ईडी की टीम पर अचानक से हमला हो जाता है। ये 5 फरवरी की तारीख थी। उसके बाद आती है 8 फरवरी की तारीख। तो 5 जनवरी को क्या कुछ हुआ ये आपने यहाँ पर समझा। ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है शाहजहां शेख के कई ठिकानों पर और उसके बाद ईडी की टीम पर ही हमला हो जाता है। फिर तारीख है 8 फरवरी की। 8 फरवरी संदेश खाली की महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया शाहजहां शेख पर, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पर। और इसके साथ 13 और 17 फरवरी कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। उत्तम सरदार, शिबू हाजरा समेत 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फिर 26 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के आदेश दिए। वहीं 27 फरवरी को शाहजहां शेख का करीबी टीएमसी नेता अजीत मैती गिरफ्तार हुआ। 29 फरवरी की तारीख को पुलिस ने आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया और 6 मार्च पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपी और 30 मार्च को ईडी टीम ने शाहजहां शेख को हिरासत में लिया। तो पूरा मामला आपने समझा, पूरी टाइमलाइन समझी और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी बंगाल सरकार और टीएमसी नेताओं पर अब जमकर निशाना साध रही है। तो वहीं टीएमसी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। और संदेश खाली में जो घटना हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायक घटना है और मैं कहूँगा आज जो महामान्य उच्च अदालत की जो ये राय है ये जीत है। ये जीत सिर्फ मैं कहूँगा कि संदेश खाली की महिला का नहीं बल्कि पूरी बंगाल में जितनी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रहा है, निर्जातित हो रहा है, उन सभी माताओं की जय है। इस तरह का जो राय आप देते हैं हाईकोर्ट से हमारे माननीय विचारपति जो हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, ऐसा राय दे कि उसमें उनका निरपेक्षता ये प्रूव्ड हो और लोग को ऐसा ना लगे कि कहीं पर इसका इम्पार्शियलिटी नजर नहीं आता है, तो वो दिया है।